मैं कोका के बारे में हमेशा सोचता था कि ये गाना जो है मैंने समय के बहुत पहले कर दिया, और मुझे लगता था कि ये दोबारा आना चाहिए, पर मैं बॉलीवुड कर नहीं रहा था, काफ़ी देर से बॉलीवुड नहीं कर रहा था। जब लॉन्ग द लिश्कारा मेरा हिट हो गया तो उसके बाद भी मैंने सोचा था कि मैंने ज़्यादा प्राइवेट एल्बम करनी है, प्राइवेट म्यूज़िक करना है, मगर अभी चांस एक ऐसा बना कि मैं, बादशाह, सलमान पाजी, हम लोग सारे इकट्ठे थे। सलमान पाजी ने वो गाना गाने के लिए मुझे बोला चंडीगढ़ में, तो वो गाना काफ़ी वायरल हो गया था सोशल मीडिया के ऊपर जब CCL हो रहा था। तो फिर बादशाह की फ़िल्म आ रही थी, उसमें उन्होंने ये गाना जो है उसको रीमेक किया अपने तनिष बागची और टी सीरीज़ ने, तो एक चांस मिला। तो मुझे खुशी ये बात इस बात की हो रही है कि बहुत बड़ा हिट हो गया है। आई थिंक कि मैं जो सोचता था कि ये दिल लगी से थोड़ा सा नीचे है, अब दिल लगी के आसपास जाके खड़ा हो गया है, तो वो सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। तो बॉलीवुड में अब मन भी बनाया है कुछ काम करने का, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करने का, तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है मेरी। एक चीज़ का मुझे हमेशा लगता है कि मैं डांसिंग गानों में थोड़ा सा फेमस बंदा हूँ, पर जो मेरा अंडरग्राउंड म्यूज़िक है, जो मेरा सूफी म्यूज़िक है या सोलफुल म्यूज़िक है, वो भी मैं अभी बॉलीवुड में लेके आऊँगा। देखो, डेफिनेटली बॉलीवुड की रीच सबसे ज़्यादा अभी म्यूज़िक की, चूज़ करने का तो मैं पहले से ही रहा हूँ। बहुत सारे गाने मैंने उस टाइम पे छोड़े जब मेरा लॉन्ग द लिश्कारा हिट हुआ था, तो उस टाइम के बाद मैंने बहुत सारे गाने छोड़े जो वल्गर होते थे, जिनमें लिरिक्स जो हैं बहुत गंदे होते थे, तो मुझे लगता था कि सोसाइटी के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये सोसाइटी के लिए हानिकारक है एक्चुअली, तो बहुत सारे गाने छोड़ के गया। चूज़ ही तो अभी भी रहूँगा, मैं लिरिक्स गंदे नहीं गाऊंगा, वो मैंने सोचा हुआ है, वो मतलब मेरा अपने आप के साथ एक कमिटमेंट है कि मैंने लिरिक्स गंदे नहीं गाने, चाहे उसमें थोड़ी पॉपुलैरिटी कम मिल जाए, पर मुझे लगता है कि लिरिक्स अच्छे गा के भी आप फेमस हो सकते हो, आपकी मेलोडी अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये कोका का आप उदाहरण ले लो, मैं हमेशा सोचता था कि ये उस टाइम का बड़ा हिट था, मगर आज आए तो हिट होएगा या नहीं होएगा, तो लोगों ने पसंद किया है। और इसमें सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने जो उनकी फिल्म है उसके डांस को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बादशाह की एंट्री को बहुत पसंद किया है, वरुण शर्मा की एंट्री को बहुत पसंद किया है, मेरी वॉइस को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो रीच तो डेफिनेटली है, चूज़ी तो रहूँगा ही रहूँगा, लिरिक्स गंदे नहीं गाऊँगा ये पक्की बात है, और कोशिश करूँगा कि जो ग्रामेटिकली भी, क्योंकि पंजाबी को बॉलीवुड जो है ना कई बार बहुत लाइटली ले लेता है, उनको लगता है कि सिर्फ बल्ले बल्ले शाबा शाबा या तुकबंदी जो है वो पंजाबी है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजाबी की जो ग्रामर है उसका भी एक अपना मज़ा है, उसकी उस लैंग्वेज का, भाषा का भी एक मज़ा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको बरकरार रखूँ, वो एथिकली एथिक्स को भी साथ लेके चलूँ। जी, कोका में सुना था, कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नी, कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नी, लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा नी, लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा, महंदी जान कड लहंदी, तू बण बण बहंदी, होश ना रहंदी, कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नी, लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा नी, कोका। और अगर दिल लगी की बात करो, एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, ओनू लवी ओ लवी ओ आख दी, ओ दिल लगी कुड़ी, ओए दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, क्योंकि जैसे उन्होंने डांस किया, मैंने तो खैर बाद में, मैं बाहर था जब उन्होंने मुझे गाना भेजा, तनिष्क और देव टी सीरीज ने जब गाना भेजा, तो मुझे लग रहा था कि पता, मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ पर आने वाला है,
और जब आप मैंने गाना देखा है तो वाकई में लगता है कि उनके लिए बना हुआ, उनके जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर उनके जो जेस्चर हैं वो लगता है कि मतलब बहुत बहुत पंजाबियत भरे हैं। तो ये गाना तो ऑलरेडी पंजाबियत भरा है ही है, तो आई थिंक ये बात सच्ची है, सही बात है कि उनके लिए ही बनाया है समझो। आई थिंक पंजाब जो है ना, पंजाब में एक जीवन है, पंजाब में एक लाइफ है, पंजाब ने बहुत सारे दुख सुख बड़े मौसम देखे हैं, तो मुझे लगता है कि वो लाइफ जो है, पंजाबी में एक कहावत है, खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, उसका मतलब है कि खा पी लो, मौज करो और ज़िंदगी जियो, जो बाकी का है उसका कोई पता नहीं है कि आपके पास रहना है कि नहीं रहना है। सो आई थिंक कि पंजाबी की वो जो चीज़ है वो लोगों को अच्छी लगती है, जैसे लोगों को मक्की की रोटी, सरसों का साग, घी, परांठे, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक ये एक तरह का जो कल्चर है, जो मतलब सिंगिंग कल्चर है, आई थिंक वो लोगों को अच्छा लगता है, मगर सोलफुल भी बहुत है। पंजाबी पंजाबी हीर है, पंजाबी बाबा भोले शाह, सबसे बड़ी जो पंजाबी गुरबानी है, गुरु नानक हैं हमारे पास और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हैं और पूरा गुरु ग्रंथ साहिब हैं, बाबा फरीद हैं, तो सोलफुल भी बहुत है, वो भी आता है, मगर मुझे मेरी इच्छा रहती है कि वो बहुत सारा म्यूज़िक जो है, फोक म्यूज़िक, रिलीजियस म्यूज़िक, जो रिलीजियस तो नहीं मैं स्पिरिचुअल बोलूँगा, मैं उसको रिलीजन के साथ नहीं जोड़ता, गुरबानी जैसे है, वो पक्के रागों में लिखी हुई है, वो आना चाहिए और पंजाबी के और अंग भी आने चाहिए बाहर। देखो वो जैसे ये कोके की मैं अगर बात करूँ या दिल लगी की बात करूँ, मैं अपने गानों की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि रिक्रिएट करने से, रीमेक करने से भी बॉलीवुड में आने के लिए रीच बढ़ती है, रीच लोगों तक पहुँचता है वो गाना, फिर वो लोग दूसरा गाना फिर दोबारा से सुनना शुरू कर देते हैं, जैसे सुखबीर के भी गाने आए थे ओहो, जहाँ मुंडे दे कुड़ियाँ दी गल बन गई। सो आई थिंक लोगों तक पहुँचता है गाना और लोगों को ये एक रिकॉल होता है, रिकनेक्ट होते हैं लोग के यार ये गाना पहले भी था। जैसे कोका का तो मैंने बहुत सारे व्यूज़ उसके पढ़ रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुराने वाला भी बढ़िया था, उसके लिरिक्स मेलोडी ऑलरेडी बहुत बढ़िया थी उस टाइम की, मुझे लगता है एडवांस लिरिक्स में मेलोडी थी, मगर उसका फ़ायदा होता है, रीच में फ़ायदा होता है, हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मेलोडी उस लोगों के माइंड में बैठी होती है तो उसके कारण उनको थोड़ा सा आई थिंक साउंडिकली मैं कह सकता हूँ कि उनको लगता है कि लॉस है, मगर वो रीच तो बढ़ती है क्योंकि बच्चे, जनरेशन बढ़ रही है, टेक्निक्स बढ़ रही हैं, म्यूज़िक की टेक्निक्स बढ़ रही हैं, कारें बढ़ रही हैं, फ़ोन बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक उस ज़माने में रिक्रिएट होने चाहिए, अच्छे गाने हो के लोगों तक पहुंचने चाहिए। सर लिरिक्स की बात करें तो आपके लिरिक्स हमेशा जाने जाते हैं, बहुत ही प्योर सोल रहते हैं, दिलों को छू जाते हैं, कोई भी वल्गरिटी नहीं रहती, और आज के दौर में देखें तो ज़्यादातर वल्गरिटी ज़्यादा सॉन्ग्स हो चुके हैं, उसके बारे में आपका क्या टेक है? उसके बारे में खैर मैं तो 15 साल से बोलता आ रहा हूँ, मुझे तो हमेशा लगता है कि ये कल्चर क्राइम है, ये मतलब जैसे हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे एक समोसे की दुकान होती है, एक लड्डू बनाने की दुकान होती है, हलवाई की दुकान होती है, उसको चेक करने के लिए तो एक इंस्पेक्टर होता है, मगर हमारे गानों के लिरिक्स चेक करने के लिए कोई भी सेंसर बोर्ड भी उसके लिए फेल है, तो जो भी गंद होता है वो रेडियो पे भी बजता है, टीवी पे भी बजता है और लोगों तक पहुँचता है यूट्यूब के थ्रू, तो मुझे लगता है एक बेडरूम की जो बातें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए, मैं तो इस बात को यही कहता हूँ। सो ये कल्चर क्राइम जो है, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ रैपर्स जो हैं जो गंदा बोलते हैं, गंदा गाते हैं, उनको बैन करना चाहिए, मुझे लगता है बैन नहीं करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को ख़राब किया है, वो सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं और डैमेज होएगा। अभी तो मुझे 10-12 साल से मैं बोलता आ रहा हूँ, तो अभी लोगों ने थोड़ा सा पंजाब का देखो क्या हाल हो गया है, नशे का कितना ग्लोरीफाई किया था नशे को, आज 80% जो यूथ है वो नशे में मतलब बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, तो ये नुकसान जो है और भी आगे जाके देखना, माइंड जो है लोगों के पोल्यूट कर देंगे ये लोग,
इतने पोल्यूट कर देंगे कि बच्चे जो हैं वो उनको समझ नहीं आएगी कि एथिक क्या होता है, माँ बाप क्या होता है, इज्जत क्या होती है, तहजीब क्या होती है। तो इसको एकदम बैन करना चाहिए। ओके सर, लास्टली ऐसा कोई सॉन्ग जो आप वापस से रिक्रिएट करना चाहें, दूसरे कोई सॉन्ग आपका अपना छोड़? बहुत सारे, मेरा एक बहुत दिल करता है कि मैं गाना करूँ जो मलकीत भाई का है, गुड़ नालो इश्क मिठा, गुड़ नालो इश्क मिठा है, है रब्बा लगन किसे नू जावे, जैसे दिल लगी है अपना गुड़ नालो इश्क मिठा है, इश्क तेरा तड़पावे, या सावन में लग गई आग, या ऐसे जितने भी गाने हैं जो पुराने हैं वो आई थिंक दोबारा आने चाहिए। और ये वाला जो गाना है मुझे सबसे ज़्यादा फोक साउंड का सबसे बड़ा गाना लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मलकीत पाजी इससे पहले कि वो रिक्रिएट करें, मैं जल्दी जल्दी इसको रिक्रिएट करूँगा। ओके सर, लास्टली फैंस को क्या कहना है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपके गाने को। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना रिस्पांस दिया और मुझे भी इतना अच्छा रिस्पांस दिया, क्योंकि मैं तो बॉलीवुड करता नहीं हूँ, अब मेरा मन बना है बॉलीवुड करने के लिए, पर फिर भी आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना शेयर कर रहे हो गाने को, मेरी वॉइस को पसंद कर रहे हो, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ख़ास करके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं तनिष और टी सीरीज और सोनाक्षी बादशाह, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।